हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? सब लोग दिवाली की तैयारी में लगे होंगे और दिवाली के लिए एक बढ़िया सी रेसिपी लेके आज मैं नडिया सिंह पुनीता देसाई होमशेफ कुकिंग क्लासेस के किचन से अमूल के लाइव पेज पे आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज एक बढ़िया सी रेसिपी लेके आई हूँ जो है पान शॉट्स। वैसे अब क्या होता है कि जो लोग आते हैं वो सब खाना वगैरह सब कम लेते हैं और कोई पार्टी हो फिर उसमें भी आप ये जो पान शॉट है वो सर्व कर सकते हो। तो ये दिवाली के लिए वेरी परफेक्ट रेसिपी है। तो इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? तो अमूल गोल्ड, फिर जो वरियाली आती है, सौंफ बोलते हैं गुजराती में, हम वरियाली बोलते हैं, ये सौंफ चाहिए। ये डेसिकेटेड कोकोनट चाहिए, जो बुरादा आता है वो चाहिए, फिर गुलकंद, पिस्ताचियो और चेरी है। वैसे पान शॉट्स है तो पान तो चाहिए ही चाहिए। फूड कलर है और मैंने अमूल का आइसक्रीम लिया है, वो भी मैंने फ्रीज में रखा है। तो पहले ये जो पान आते हैं ना, वो कलकत्ती पान जो आते हैं वो हमें यूज़ करने हैं। इसका टेस्ट ये पान से बहुत बढ़िया आता है। आप नागरवेल के पान यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये जो पान है कलकत्ती पान, इससे ये हमारा जो पान शॉट बनेगा उसका टेस्ट बहुत निखर के आएगा। ओके, अब क्या करना है कि इसे अच्छी तरह से वॉश करना है, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा पानी में नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा कि ये जो पत्ते हैं, लीव्स है, पेटल लीव्स बोलते हैं, वो काले पड़ जाएंगे। तो हमें वैसा काला कलर नहीं चाहिए। तो उसे अच्छी तरह से पानी से वॉश करके छन्नी में डाल के थोड़ी देर के लिए ऐसे किचन क्लॉथ पे हमें ले लेना है, अदरवाइज उसे वाइप कर लेना है अच्छी तरह से और उसके बाद ही उसका यूज़ करना है। और इसमें ये जो हम दूध यूज़ करने वाले हैं अमूल गोल्ड, तो मैंने थोड़ा जो दूध है उसको मैंने फ्रीजर में रखा है चिल करने के लिए। आप उसे बर्फ के आइस की ट्रे में भी जमा सकते हो और उसके बाद भी आप उसका यूज कर सकते हो। तो पहले हमें क्या लेना है, ये जो सौंफ है उसको मैंने पानी में भिगो के रखा है। इससे क्या होगा कि जब हम उसे पीसेंगे तो उसे भी अच्छी तरह से साफ करके के बाद ही आपको उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, तो उसे छान लेने के बाद उसे अच्छी तरह से साफ करना है, क्लीन करना है। उसके बाद उसे थोड़े से पानी में भिगो के रखना है। तो जब आप उसे क्रश करोगे तो अच्छी पेस्ट मिलेगी आपको। तो मैंने ये हाफ कप जितनी सौंफ ली है, तो मैं उसे ये जार में ले लेती हूँ। सच्ची में आप बनाओगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, सबको अच्छा लगेगा। आपके गेस्ट भी आपसे खुश हो जाएंगे, घर के मेंबर्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन आपके गेस्ट भी आपसे खुश हो जाएंगे। पानी अभी मैं डिस्कार्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि कदाच मुझे ये पेस्ट बनाने के बाद में उसकी कंसिस्टेंसी देख के यूज़ करना होगा, तो मैं यही पानी का यूज़ करूँगी और चाहिए तो मैं दूसरा पानी ले लूँगी। ये मैंने हाफ कप लिया है मेजरमेंट कप से सौंफ। ये जो पान है ये हमें 10 से 12 लीव्स लेने हैं और उसे हाथों से ही तोड़ना है, और ये डंखल है उसका ये भाग हमें रिमूव कर देना है। तो ये भी मैं ले रही हूँ। उसके अंदर आपकी प्रिपरेशन होगी ना, तो आप गेस्ट आएंगे ना तो बहुत जल्दी से आप बना सकोगे उसे। और आप ये बना के एक महीने तक फ्रीजर में रख सकते हो और एक वीक तक आप फ्रीज में रख सकते हो। मगई पान भी ले सकते हो। आपको ऐसा लगे कि आपको पान की फ्लेवर थोड़ी कम चाहिए तो आप उसके अंदर मगई पान भी ले सकते हो, उससे भी इसका टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन वो थोड़ा माइल्ड हो जाता है। माइल्ड टेस्ट चाहिए तो आप मगई पान ले सकते हो। अभी मैं ये डेकोरेशन के लिए रखती हूँ। कर रही हूँ। सबको दिखाई देता है और सुनाई देता है ना अच्छी तरह से। वैसे सौंफ भीगी हुई है, फिर भी मुझे थोड़ा पानी चाहिए, तो मैं थोड़ा पानी ऐड कर देती हूँ। उसके बाद मैं अच्छी तरह से कर दूंगी। अभी और थोड़ा पानी ऐड करती हूँ। ये हम पहले पेस्ट बना देते हैं। अब इसी के साथ में ये मैंने 6 टेबलस्पून जितना डेसिकेटेड कोकोनट लिया है वो भी ऐड कर लेती हूँ। वो भी अच्छी तरह से पीस जाएगा। देखो इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा दे रही हूँ, दिखाई देता है, दिखाई देता है ना। ये मैंने सिर्फ पेटल लीव्स, सौंफ और रेसिकेटेड कोकोनट को अच्छी तरह से क्रश किया है। थोड़ा पानी और ले लेती हूँ। पानी भी आप अपनी जरूरत के हिसाब से ही ऐड करना। अब ये मैंने गुलकंद लिया है, ये मैंने 8 टेबलस्पून जितना गुलकंद लिया है। पान का असली टेस्ट तो गुलकंद से ही आएगा। इसी के साथ मैं थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर लेती हूँ, और इससे क्या होगा, इसका बढ़िया सा कलर आएगा। ये ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है तो अवॉइड कर सकते हो, और आपको लिक्विड कलर ऐड करना है तो भी कर सकते हो। शाम को भी बना के पीना हो ना तो भी आप पी सकोगे। पान का गल्ला तो हर एक चौराहे पे मिलता है, तो वहीं से आप पान ले लो। और सौंफ तो हर एक के घर में रहती ही है, गुलकंद भी लेके आओ और बढ़िया से बन जाएगा। डेसिकेटेड कोकोनट भी मिल जाता है हर एक के घर में, तो बहुत जल्दी से बन जाता है। देखो इसका टेक्सचर देखो, अभी एक बार मैं थोड़ा पानी ऐड करके मैं पीस लेती हूँ। आप कोई भी सौंफ ले सकते हो। आज मेरे पास लखनवी फिनिश हो गई थी तो मैंने रेगुलर सौंफ ली है। ज्यादा कलर ऐड करना हो तो कर सकते हो। कम लग रहा था तो मैंने ऐड किया है थोड़ा। तो ये पेस्ट रेडी है। आप इसे 1 महीने तक फ्रीजर में रख सकते हो और हफ्ते तक आप नीचे के कंपार्टमेंट में भी आप उसे रख सकते हो। मैं इसमें 4 से 5 टेबलस्पून जितना ये पेस्ट ले लेती हूँ। इसके अंदर मैंने अमूल गोल्ड लिया है। शक्ति है ग्लास पे, लेकिन मैंने दूध गोल्ड लिया है। और ये जो दूध था चिल्ड करने के लिए मैंने फ्रीजर में रखा था, वो भी मैं ले लेती हूँ। देखो ये क्रिस्टल आपको दिखा जाएंगे, देखो ये है ना, क्रिस्टल जैसा हो गया, आइस जैसा हो गया, तो वैसा दूध लेना है। ये मैंने हाफ कप जितना मेजरमेंट से हाफ कप जितना दूध ले लिया है। और आप आइसक्रीम डाल रहे हो तो आपको शुगर अवॉइड करनी है तो कर सकते हो, अदरवाइज आप ज़्यादा मीठा खा रहे हो तो आप शुगर लेना, और कम मीठा खा रहे हो तो शुगर अवॉइड करना। कलर भी बिल्कुल ऑप्शनल ही है, आपको डालना हो तो ही आप डालो। वेनिला आता है वो मैं ले रही हूँ। दो से तीन बड़े स्कूप लेना है। अमूल वेनिला ऐड करोगी ना तो आपका जो पान शॉट बनेगा उसकी क्रीमीनेस बहुत अच्छा आएगी, ये रिच लगेगा और आपको पीने में भी अच्छा लगेगा। आप पियोगे ना तो क्रीमी टेस्ट आएगा। देखो आइसक्रीम का डिब्बा खुला ना, मेरी बेटी पीछे बैठ गई। बढ़िया सा बाउल लेके मुझे भी दे दे, ले लो। आइसक्रीम वैसे बड़े छोटे सब का बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे ज्यादा जरूरत लगेगी तो ही मैं ये जो ठंडा दूध है वो ऐड कर रही हूँ। मैंने अमूल की जो बैग आती है ये लीटर वाली उसको कच्चा ही लिया है, उसको मैंने गरम नहीं किया है। तो आप ये रेसिपी बहुत जल्दी से बना सकते हो। वैसे आप 2-3 दिन पहले ऐसी पेस्ट बना के रख सकते हो, फ्रीज में स्टोर कर सकते हो। मुझे जरूरत नहीं लग रही है मिल्क ऐड करने की तो मैं नहीं ऐड करती हूँ। अब देखना इसका टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है। अभी भी आपको कलर ऐड करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन वैसे मुझे कलर कम पसंद है तो मैं नहीं ऐड कर रही। हमने नाम दिया है पान शॉट्स, तो हम उसे शॉट ग्लासेस में सर्व कर लेते हैं। कितना बढ़िया लगता है, क्यूट क्यूट। ऐसी छोटी छोटी चेरीज मिलती है तो ये भी उसके ऊपर ऐसे मिडल में रख के हमें उसे सर्व करना है। ये पिस्ताचियो है जो मैं उसके ऊपर स्प्रिंकल करती हूँ और उसे एक बढ़िया सा टच देने के लिए कैसी रोज पेटल्स आती है ड्राई वाली, वो भी मैं ले लेती हूँ। वैसे हमने गुलकंद ऐड किया है, तो ये जो ड्राई वाली रोज पेटल्स है उससे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हमारा पान शॉट बनके रेडी है। आशा रखती हूँ सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होंगी। मैं एक बार फिर रेसिपी दोहरा देती हूँ। मैंने 10 से 12 कलकत्ती पान लिए हैं, उसके साथ में मैंने 8 टेबलस्पून जितना गुलकंद लिया है, सॉफ्ट ली है हाफ कप, और जो कोकोनट है डेसिकेटेड कोकोनट वो मैंने 6 टेबलस्पून लिया है। पहले पान को वॉश करना है अच्छी तरह से, और जो सौंफ है उसको भिगो के रखना है आधे घंटे तक, और उस दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद में उसमें कोकोनट ऐड करना है, उसे भी अच्छी तरह से मिक्स करना है, मिक्सी में पीस लेना है। उसके बाद में हमें गुलकंद ऐड करना है और उसे भी अच्छी तरह से पीस लेना है, और फिर ये आपका बेसिक पेस्ट रेडी हुआ। अब जब आपको ये शॉर्ट तैयार करने हैं तो आपको 5 से 6 टेबलस्पून जितना ये पेस्ट लेना है। उसके सामने आपको 1 कप जितना अमूल गोल्ड मिल्क एंड 2 या 3 स्कूप जितना अमूल का जो आइसक्रीम आता है वैनिला वो ऐड करना है। आप चाहो तो अंदर शुगर ऐड कर सकते हो, और आपको बिना आइसक्रीम के बनाना है तो भी आप बना सकते हो, लेकिन जब आप बिना आइसक्रीम के बनाते हो तो आपको 2 टेबलस्पून तो शक्कर डालनी पड़ेगी, और उसको चेरी से सजा के रोज ड्राई रोज पेटल और पिस्ताचियो से सजा के हमें सर्व करना है। जो जो जुड़े हैं वो सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप कहाँ से जुड़े हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और अभिषेक सर, शशांक सर और दीपा मैम को और अमूल की टीम को मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।